तेजायिनो साततिका निच्चम दला परक्कमा फूसन्ति धीरा निब्बाणम योगक्षेमम अनुत्तरम ते वे साततिका सातत्य निरंतर तेजायिनो जायिनो ध्यान में रहते हैं, वे ध्यान में रहते हैं। इतना ही नहीं, निच्चम नित्यम दला परक्रमा दृढ़ पराक्रम करते हैं, निरंतर वे ध्यान में रहते हैं, नित्य दृढ़ पराक्रम करते हैं, जिसमें जिससे प्रमाद रहित रहते हैं। जब सब समय, यहाँ निरंतर शब्द आया है, सब समय ध्यानरत और सब तरफ निर्मोह रहने की साधना करता है और यह साधना उसकी दृढ़ता से चलती है। दला परक्रमा दृढ़ पराक्रम दृढ़ता से चलती है, तो उसका फल उसे निर्वाण मिलना ही है। और इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं फूसन्ति धीरा निर्वाणम, धीरा विवेकवान फूसन्ति स्पर्शन्ति, स्पर्श करता है, अनुभव करता है, प्राप्त करता है निर्वाणम, निर्वाण का जो तृष्णा छय रूपी निर्वाण है, अनुत्तरम योग क्षेमम, अनुत्तर योग क्षेम, अनुत्तर सर्वोच्च पूर्ण अनासक्ति अवस्था। संस्कृत में शब्द है ध्यान और उसी को पाली में ध्यान कहे हैं। नित्य निच्च इस प्रशांति फूसन्ति और संस्कृत में निर्वाण को निब्बाणम, योगक्षेम योगक्षेम को योगक्षेम। तो संस्कृत के शब्द किस प्रकार पाली में थोड़ा सा परिवर्तित करके सरलीकरण करके है वो बताते हैं। संस्कृत में योग और क्षेम के अर्थ प्रायः संग्रह और रक्षा है और कल्याण भी है, परंतु पाली भाषा के अनुसार योगक्षेम का अर्थ पूर्ण अनासक्ति, कल्याण का ही रूप है वो भी। फूसन्ति धीरा निब्बाणम बहुत सुंदर प्रयोग है। विवेकवान पुरुष निर्वाण का स्पर्श करता है। स्पर्श क्या करेगा, निर्वाण कोई वस्तु है, अनुभव करता है। कौन, जिसने राग द्वेष छोड़ दिया वह निर्वाण का स्पर्श करेगा ही। निर्वाण का स्पर्श अनुभव, निर्वाण का अनुभव गहरी शांति निर्वाण है। और वह साधक जो निरंतर ध्यानरत और दृढ़ पराक्रमी है वह गहरी शांति में रहेगा। सातत्यिका ते जाइनो सातत्यिका, वे निरंतर ध्यानरत रहते हैं। जाइनो सातत्यिका निरंतर ध्यान में लीन का अर्थ यह नहीं है कि वह हर समय आँख मूंद के बैठा रहता हो, ऐसा नहीं है। समय समय से ध्यान अभ्यास करेगा, ध्यान की मुद्रा में रहेगा। बात यहाँ पर यह है कि जैसे गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, ध्यान का अर्थ है मन का विवेक में ढल जाना, मन का विवेक में ढल जाना, विवेक की इतनी जागरूकता हो जाती है कि उनसे कोई असावधानीपूर्ण कार्य होता ही नहीं है। हर समय उनका ध्यान ही है, ध्यानमय जीवन, ध्यानमय जीवन। एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, ध्यानमय जीवन। अब सदगुरु कबीर ने क्या कहा, उठत बैठत कबहू न छूटे
ऐसी तारी लागी, इसका क्या अर्थ है? कभी ध्यान नहीं छूटता है। सरल सी बात इतनी है कि जिनका मन इतना निर्मल हो गया है, अपने आप को इतना परिष्कृत कर लिया है साधक साधना करके, अब उनके मन में किसी प्रकार कोई मोह नहीं, ममता नहीं, द्वेष नहीं, कोई कलमश नहीं। फिर ध्यान में बैठे न बैठे, जो करे सब समय ध्यान है उनके लिए। उसको योगक्षेमम अनुत्तरम, अनुत्तर योगक्षेम की दशा प्राप्त होती है। अनुत्तर श्रेष्ठ सर्वोच्च, योगक्षेम पूर्ण अनासक्ति, जीवन की सर्वोच्च दशा है पूर्ण अनाशक्ति। इसी में सारे दुखों का अंत है। कहीं भी आकर्षण होगा तो फिर दुख की संभावना बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कोई होगा जिनके प्रति मोह हो, वस्तु है, लोभ है, ये सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, लोगों का शरीर परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशीलता में स्थिरता कहाँ मिलेगी, स्थिर आनंद कहाँ मिलेगा? तो उलझने की पूरी संभावना रहेगी, फूलने पचकने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन जब अनाशक्ति की अवस्था हो गई, योगक्षेमम अनुत्तरम, अनुत्तर योगक्षेम सर्वोच्च दशा है पूर्ण अनाशक्ति की, वो है, इसी से सारे दुखों का अंत है, यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। सद्गुरु कबीर ने जो कहा, कहें कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए। कौन उबरेगा? जिसके मन में मोह नहीं है। मोह है, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। व्याधि का मूल, उसकी जड़ है, पीड़ा की जड़ है मोह। और जिसके मन में यह नहीं है, फिर वो उससे ऊपर उठा है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि वे निरंतर ध्यानरत रहते हैं, नित्य दृढ़ साधना करके प्रमाद रहित रहते हैं। ते झाइनो सातिका निच्चम दलह परक्रमा। अतएव वे धीरवान पुरुष निर्वाण का स्पर्श करते हैं, फूसंति धीरा निब्बाणम, और योगक्षेमम अनुत्तरम, जो सर्वोच्च अनाशक्ति अवस्था है। निर्वाण की अवस्था सर्वोच्च अवस्था है, उसका स्पर्श करता है, उसका अनुभव करता है। अर्थ है, उसका मन हर समय शांत, अनुद्वेग, उद्वेग रहित मन वाला हो जाता है। उत्थानवतो सतिमतो शुचिकम्मस निसम्मकारिनो संयतस च धम्म जीविनो अपमत्तस यसेव यशेव भट असेव वढ्ढति यसोय भी वढ्ढति। उत्थानवतो, उठ खड़ा होना, उत्थानवतो उठ खड़ा होने वाला, उत्थान का अर्थ है उत्थान, उठ खड़ा होना, यहां भाव है उद्योगशील, किसी भी दिशा में जो उद्योगशील होगा वही उत्थान करेगा, प्रगति करता है। सतिमतो स्मृतिवान, सति स्मृति, और सतिमतो स्मृतिवान सावधान जागरूक। शुचिकम्मस शुचि शुचि शुचिता पवित्रता, कम्मस कर्म काम, पवित्र कर्म करने वाला, शुचिकम्मस पवित्र कर्म करने वाला है। निसम्मकारिनो विचार करने वाला है, निसम
निशम शब्द है वो क्रिया विशेषण है, कारिनो, कारिनो करने वाला, निशम कारिनो, निशम कारिनो विचार पूर्वक, निशम का अर्थ यहां पर है विचार पूर्वक, कारिनो करने वाला, करने वाला लेकिन किस प्रकार करने वाला, विचार पूर्वक करने वाला, कोई काम विचार करके करने वाला, संयतस्य संयम युक्त, संयम पूर्वक, धम्म जीविनो धर्म पूर्वक जीव का वाला, धर्म पूर्वक जीव का जो आजीविका का साधन है वह धर्म पूर्वक हो। बौद्ध परंपरा में जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया उसमें एक है सम्यक आजीविका, किसी को कष्ट पहुंचाकर, तकलीफ देकर कोई आजीविका, कोई भरण पोषण का उपाय कर रहा है वह उचित नहीं है, ये मान्यता है और सच भी है। तथागत का अर्थ धर्म क्या है, अहिंसा, जो वस्तुतः मानव मात्र का धर्म है, हमारी जीव का जीवन यात्रा का साधन रोजी ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट न हो, अपमत्तस्य अप्रमत्तस्य, प्रमाद रहित पूर्ण सावधान का, यशेव अभिवद्धति, यश अभिवद्धति बढ़ता है, यश बढ़ता है। कई बातें बताते हैं, उत्थानवतो जो उद्योगशील है, सतिमतो सावधान है, सुचिकम्मस पवित्र कर्म करने वाला है, निसम्मकारिनो विचार पूर्वक करने वाला है, संयत है, संयतस्य संयत है, च धम्म जीविनो धर्म के अनुसार जीविका वाला है, अपमत्तस्य और प्रमाद रहित रहने में रहने वाला है, यसेव अभिवद्धति उसका यश बढ़ता है। यश का बढ़ना तो सेकेंडरी ही है और स्वाभाविक है, कोई इस इतना सुंदर पथ इन्होंने कहा, ये सारे आचरण यदि उनके जीवन में हो तो ऐसे लोगों को तो लोग कहेंगे कि अच्छा है, उनकी प्रशंसा होगी, यश कीर्ति होगी। महत्वपूर्ण क्या है, यह सब अच्छे आचरणों को जीवन में धारण करके स्वयं शांत मन वाला हो जाता है, स्वयं निश्चिंत जीवन जीने वाला हो जाता है, उद्वेग रहित जीवन हो जाता है, ये उनके लिए फायदेमंद है। हम सबको क्या करना है, अपना फायदा देखना है। गुरुदेव जी कभी कभी कहा करते थे, साधक को स्वार्थी हो जाना चाहिए, स्व खुद अर्थी प्रयोजन, अपना प्रयोजन, अपना अर्थ, अपना प्रयोजन। वह क्या है अपना प्रयोजन, जो आत्मा का स्वरूप है, जैसा उसका परनिश्चित रूप है, उसमें स्थित हो जाओ। आत्मा शांत रूप है, उद्वेग रूप है, अकर्ता है, ऐसे ही अपने आप को ऐसा बना लो, चित्त की दशा वैसा बना लो, कैसा बना लो, शांत, उद्वेग रहित, अकर्ता भाव। अब काम तो करना पड़ेगा लेकिन अंदर में कभी ऐसा बैठे जब अकर्म की स्थिति हो, कभी कभी शांत बैठ जाए और मन में कहे इस समय मैं कुछ न करने की अवस्था में, ये समय क्या है मेरा, एक घंटे का समय, मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। अब आ जाएगी अंदर से, उद्वेग आएगा, पुराने संस्कार आएंगे, ख्याल आएगा ये बाकी है, ये करना है, वो करना है, उनसे मिलना है, वो बात करनी है, फिर भी अंदर से क्या समझाना है, ठीक है ठीक है एक घंटे बाद, क्या कहना है भीतर से, ठीक है एक घंटे बाद। इस प्रकार से जब मन से हम वार्ता करेंगे, मन को संबोधित करेंगे, ये संबोधित करना एक प्रकार से मन को दिशा देना है, बहुत बड़ा काम है अपने मन को दिशा देना, बहुत बड़ा काम है। मन को दिशा देने का अर्थ है जीवन को दिशा देना,
बिखरी हुई है शक्तियाँ, सब की शक्ति बिखरी हुई है। विचारों के माध्यम से, शब्दों के, बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिससे हमारी शक्ति एक सही दिशा की ओर केंद्रित नहीं है। सही दिशा अर्थक लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं है। सब को समेट करके एक दिशा प्रवाही करना है, ये कोई साधारण काम नहीं है, मेहनत का काम है, लेकिन कोई भी चाहेगा ये कर सकता है। और उसी की बात यहाँ पर तथागत बुद्ध कहते हैं, इस प्रकार जो उद्योगशील है, स्मृतिवान है, पवित्र कर्मी है, विचारपूर्वक कर्मी, संयत, धर्मजीवी तथा सावधान व्यक्ति का सुयस बढ़ता है, शांत रहता है। और ऐसे ही लोगों को तो पिछली गाथा में उन्होंने कहा, फूषंति धीरा निब्बाणम, निर्वाण का स्पर्श करता है। हम सभी निर्वाण का स्पर्श करने के लिए ही आए हैं, संसार का स्पर्श कर ही रहे हैं, फिर भी चल पड़े हैं, क्यों? निर्वाण का स्पर्श करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी। हम ये सोचे ये अपने आप होता चला जाएगा, या सामान्य क्रियाकलाप करते रहेंगे होता चला जाएगा। मैंने बहुत पहले कहा था, यही कहा था कि गतिविधियों में कार्य संपन्नता का भ्रम पाल लेते हैं हम। जैसे एक लकड़ी का घोड़ा बच्चों का ऐसे आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे घोड़े में बैठ करके आगे पीछे हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? क्या दूरी तय हो रही है उससे, कोई मंजिल के नज़दीक पहुंच रहा है? केवल आगे पीछे हिलने वाले लकड़ी के घोड़े में बैठ करके आप कहीं पहुंच नहीं सकते। ऐसे ही जीवन के सामान्य क्रियाकलापों को करते करते कहेंगे कि निर्वाण का स्पर्श कर लेंगे, ये नहीं होगा। उसके अनुरूप साधना होगी, जीवन में उसके अनुरूप बदलाव करना होगा, तब जाकर के वो स्थिति आएगी। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपम कई रात मेधावी यम ओगो नाभि कीरति। बहुत सुंदर गाथा है, सभी गाथा सुंदर है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई है। मेधावी बुद्धिमान प्रतापवान, उत्थानेन उत्थान से, उद्योग से, अप्रमादेन अप्रमाद से, सावधानी से, संयमेन संयम से, दमेन दम से, मन इंद्रियों का निग्रह, दम, दमेन दम से, दीपम द्वीपम द्वीप ऊंची जमीन आश्रय स्थल, कई रात करे बनावे, जिससे ओघो ओघ बाढ़ जल प्लावन, नाभि कीरति डुबा न सके बहा न सके। तथागत बुद्ध सरलतस क्या कहते हैं, जैसे कोई बाढ़ आए और कोई ऊंचे टीला में जाकर के ठहर गया है, तो बाढ़ के आने से लोगों को जो नीचे हैं उनको तकलीफ होगी, जनधन की हानि होगी, लेकिन वो ऊपर है वो निश्चिंत, वो निश्चिंत। ऐसे ही साधना की ऊंची ऊंचा द्वीप बना लो, उच्च द्वीप, ताकि सांसारिक उद्वेग प्रभावित न करे। मेधावी कौन ऐसा करता है? मेधावी मनुष्य उद्योग से, कैसे उस द्वीप को बनाना है, कहते हैं उद्वेग, उद्योग, उद्यम से, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, बिना उद्योग के कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। न ही सिंहस सिप्तस्य प्रविशन्ते मूर्खा मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में मृग जाकर के प्रवेश नहीं करेगा मुझे खा लो कह के, उसको परिश्रम करना होता है सिंह को भी। ऐसे ही उद्योगशील मेधावी मनुष्य उद्योग से, फिर कहते हैं सावधानी से, अपमादेन संयमेन संयम से, दमेन दम से,
साधना करके ऐसा सुरक्षित द्वीप बनाएं जिससे दीप कई रात मेधा ओघो ना भी कीरति उसको कोई सांसारिक बाढ़ न डुबा सके। ओघ संस्कृत में भी और पाली में भी समान रूप से लिखा भी जाता है, अर्थ भी वही है, जल प्लावन बाढ़। यह है, यह जल प्लावन क्या है? मन इंद्रियों का बहाव, मन इंद्रियों का बहाव। बस मन सोचा ले गया, इंद्रियां जिस दृश्य को देखी जिसको, बस मन पहुंच गया। ये बहाव है। जीवन यात्रा में प्राणी पदार्थ और परिस्थिति मिलते हैं, अनुकूल मिलेंगे, प्रतिकूल मिलेंगे, हानि होगी, लाभ होगी, ये सारी घटनाएं, अनुकूलता प्रतिकूलता हानि लाभ सुख दुख हर्ष शोक, ये सब क्या है? ये सब उद्वेग के कारण। और इसी में हम सब क्या करते हैं? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सब बाढ़ है, ये सब बाढ़ है। इस बाढ़ से बचना है, सरल भाषा में कहूं तो मनोविकारों से और मन के जो विचारों के प्रवाह है उससे बचना चाहते हैं तो क्या करना है? एक द्वीप बनाए, इस प्रकार साधना करें कि आप ऊंचे द्वीप में पहुंच जाएं। तथागत कहते हैं, जीवन के इन थपेड़ों और कायिक मानसिक बाढ़ों की चोट से बचने के लिए द्वीप बनाओ। यदि ऊंची जमीन का हमारा ऊंची जमीन पर हमारा भवन है तो बाढ़ कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार उद्यमशील सावधान मन के संयमी और इंद्रियों पर विजयी हैं तो चित्त की समता का एक सुदृढ़ द्वीप बन जाता है। समता भाव, विचलन रहित स्थिति, जिसमें रहने से साधक किसी प्रकार विचलित नहीं होता। अनाशक्त चित्त उद्यम उच्चतम द्वीप है, अभेद्य किला है। जो साधक उसमें स्थित रहता है उसके मन इंद्रिय कृत कोई सांसारिक बाढ़ कुछ प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि मन संयत रहता है, इंद्रियां वश में है, इसलिए वह अप्रभावित जीवन जीता है। एक ख्याल आया, एक पुस्तक मैंने पढ़ी, द पावर ऑफ नाउ, शक्तिमान वर्तमान, एकहार्ट राल की लिखी है, जर्मनी के लेखक हैं। उनमें उन्होंने एक बात बताई है कि एक विद्वान के बारे में लिखा, अल्डोस हक्सले, उन्होंने एक उपन्यास लिखी है, उपन्यास का नाम है आइलैंड द्वीप। जीवन के अंतिम अंतिम स्थिति में वो आध्यात्मिक होने लग गए थे, आध्यात्मिक रुझान हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने एक उपन्यास लिखी। क्या लिखा उसमें? एक आदमी की कहानी बताई गई है। उसका जहाज सुदूर एक द्वीप के पास जाकर के ध्वस्त हो गया। कहां जाए? उसी द्वीप में गया। वहां देखा एक बहुत ही सुसभ्य अनोखी सभ्यता वहां निवास करती थी। वहां के लोग बहुत विकसित, अच्छे मन वाले, सुसंस्कृत, शिष्टाचार का पालन करने वाले बहुत अच्छे लोग थे, जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में ऐसे लोग नहीं मिलते थे। और उससे बड़ी बात उन्होंने क्या देखी कि पेड़ों के झुरमुटों में रंग बिरंगे जो तोते हैं वे जोरों से बोले चले जा रहे हैं, यहाँ रहो, सजग रहो, सतर्क रहो, सावधान, वर्तमान में रहो। बाद में पता चला वहाँ के लोगों ने इन तोतों को सिखा दिया है ताकि उनकी आवाज़ आती रहे और हम हर समय वर्तमान में रहें, सजग रहें, सावधान रहें। ये उनकी बातें आई है। भाव क्या है? मेरा कहने का संदेश क्या है? ये सजगता जब बनी रहेगी तब जाकर के उच्च द्वीप का निर्माण होगा, और वहाँ पर फिर ये मन इंद्रियों के जो थपेड़े हैं, इसके जो उलझन भरी जो क्रियाकलाप हैं, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे। वो संभावना बनी रहेगी। जब तक संसार में रहेंगे कैसे दृश्यों से हम अपने आप को अलग कर पाएंगे, कैसे ये ऊंच नीच परिस्थिति से अपने आप को अलग कर पाएंगे? ये तो होते रहेंगे। अपने मन को ऊपर उठाना है,
और यही साधना की सफलता है, सहे बंदगी।